मतलब है, लेकिन सुन, तेरे मोटा भाई है ना, बा को भगवान की तरह पूछते हैं, समझी? बा के खिलाफ वो कोई बात नहीं सुन सकते। देख, अगर हम कहेंगे ना कि बा ने हमें लकड़ी से मारा, तो वो कहेंगे बा तो लकड़ी से डांडिया राज खेल रही थी, तुम लोग बीच में आ गए। हाँ, ऐसे ही कहेंगे वो, समझी? चलो ठीक है, माना कि मोटा भाई को तो गुस्सा आ गया, पर हेमल उन्हें देखकर मुझे घूरने लगते हैं। सच में आप उन्हें देखना, जैसे ही मोटा भाई आंखें बड़ी करते हैं ना, हेमल भी आंखें बड़ी करके घूरते हैं मुझे। अच्छा? हाँ, अब ध्यान से देखना, हेमल तो जैसे मोटा भाई की एक्शन रिप्ले है। अच्छा, मैं ध्यान से देखूंगी आपकी, हाँ, और डांट दूंगी हेमल भाई को, ठीक है? तू चल, हाँ, रोना बंद कर और मुस्कुरा मेरी प्यारी सी देवरानी, चल चल बढ़िया। रिसोर्ट पहुंचने तक अंधेरा हो जाएगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, सबको पता है ना क्या करना है? लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। किस बात का पता नहीं चलना चाहिए? मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो किसने किया और क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं किया, नहीं किया तुम लोगों ने कुछ भी? जब से देख रही हूँ कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रहे हो, क्या बात क्या है बोलो। मैं बताती हूँ। तू नहीं यार, छोटी चाणक्य तू तो झूठी बोलेगी। लकी, तू बता सच क्या है, बोल। यहाँ तू बता क्या बात है, तू सच बोलती है ना हमेशा? हाँ बोल। चैताली, डरा मत उसे, समझी? बोल बेटा लकी, बोल क्या है? मैं हूँ ना, डर मत, बोल क्या बात कर रहे थे तुम लोग? सॉरी चैताली, मुझे बताना ही पड़ेगा। बोल बेटा। बाबू, ओ, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग यहाँ? प्रवीण भाई, अंधेरा होने से पहले जाना है ना गौशाला, चलिए चलिए चलिए। चैताली की बच्ची, क्या हुआ लीला भाभी? अरे मुझे लग रहा है ये लोग कोई बहुत बड़ी बदमाशी करने वाले हैं। जी, मोटा भाई को परेशान करने के लिए कोई प्लानिंग शैनिंग कर रहे होंगे। तब तो ठीक है, और कुछ नहीं, चलिए। अच्छा चलिए। और हाँ, गोदावरी बहन को मेरा जय श्री कृष्ण कहना। बिल्कुल जी। अरे बेटा, प्रसाद को ना नहीं बोलते, थोड़ा खा ले, थोड़ा सा खा ले, बोला ना। अच्छा ये बैग मेरे को दे दे और प्रसाद खा ले। बैग दे, दे दे बैग। बैग भी नहीं देना, प्रसाद भी नहीं। अरे खा ले थोड़ा सा। और एक बात तुम लोग हमेशा याद रखना, किसी अनजान आदमी के हाथ से प्रसाद मत लेना, नहीं तो वो लोग नशे की दवाई उसमें मिला के खिला देते हैं और सब कुछ लूट लेते हैं। खा ले थोड़ा सा, इतना सा खा ले। एक मिनट भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे को प्रसाद खिला रहा हूँ। नहीं, आप नहीं खिलाओगे। क्यों नहीं? क्योंकि इस प्रसाद में बेहोश होने की दवा मिलाई गई है। क्या बकवास कर रहे हैं आप, मैं अपने बच्चे को ऐसी चीज खिलाऊंगा? अच्छा, तो अचानक से आपका ये बेटा हो गया? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। क्या हुआ भाई साहब? देखिए देखिए, बच्चे उठाने वाली गैंग का आदमी है ये, इस बच्चे को ले जाकर। और क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मैं इसका बाप हूँ बेटा, मैं तेरा पापा हूँ ना? नहीं। सुना सुना आपने, सुना? अरे नालायक, अपने बाप को बाप होने से मना कर रहा है? सुना सुना, बच्चा खुद मना कर रहा है। अरे फ्रॉड है ये, फ्रॉड। इस प्रसाद में बेहोशी की दवा मिलाकर। अरे क्या बेहोशी की दवा, क्या बेहोशी की दवा, ये प्रसाद मैं आप लोग के सामने खाता हूँ। देखना अभी बेहोश हो जाएंगे। बुलाइए आप पुलिस को, बुलाइए बुलाइए पुलिस को। क्या पुलिस को बुलाइए? रत्ना, अरे रत्ना। हाँ? इधर आ। क्या हुआ? ये किसका बच्चा है? हमारा बेटा है। नहीं आंटी, झूठ बोल रही है। आंटी? अरे अपनी माँ को आंटी बोल रहा है, नीचे उतर चल। देखा, गैंग गैंग बनाकर घूमते हैं ऐसे लोग। क्या हुआ भाई साहब? अरे उठाव गिरे हैं, उठाव गिरे, इस बच्चे को ले जाकर। अरे हम उठाव गिरे नहीं है, ये हमारा ही बेटा है। रुको एक मिनट, अभी पता चल जाएगा। ये देखो, ये हमारी फोटो है। अब यकीन हुआ ना? अब बोलिए। नहीं वो भाई साहब, क्या हुआ कि आप जबरदस्ती इस बच्चे से बैग मांग रहे थे और बच्चा ऊपर से झूठ बोल रहा था, तो मैंने सोचा
क्या हा? क्या हा? किसी पे भी इल्जाम लगाने से पहले दो बार सोचिए। वही तो। और तू नालायक, आज अपने बाप को मरवा दिया होता। फिर आगे से जो मांगूंगा वो दिलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, सब दिलाऊंगी तुझे। हाँ चल पहले नीचे उतर, घर जाके सब दिलाती हूँ। क्या आदमी यार, कुछ भी बोलता है। मोटा भाई चलो चलो, हो गया सब। हाँ सुबोध, ये अपने घर का नया नंबर है, सेव कर लेना। आओ, पुराना मैंने कैंसिल करवा दिया है। हाँ बापूजी आ गए। और क्या कर रहे हो आप सब लोग? अच्छा, यहां पर भी आमरस पूरी का ही प्रोग्राम है। खाओ खाओ। याद से सबको ये नया नंबर दे देना सुबोध, ठीक है? हाँ चलो जय श्री कृष्ण। क्या बात है, अभी अभी मैंने सुना अपने यहाँ सोमरस का प्रोग्राम है। होश तो पहले से ही गए, अब कान भी गए। हर्षद ने कहा आमरस का प्रोग्राम है। आमरस? कितना खुश हुआ था मैं सोमरस सुन के। आइए खाना खा लीजिए। वैसे आज बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए, तो रोज की तरह ही है। हाँ आप जब तक नहीं आए थे। देखना देख कितना पी के आए हैं। क्या बात है बापूजी, आज अच्छा दिन क्यों है? क्योंकि अब हमारी दिशा एड में काम करेगी। मेरा एक दोस्त पोलियो की एड बना रहा है, दो बूंद जिंदगी के। उसे एक बच्चा चाहिए। मैंने कहा मेरी पोती उसमें काम करेगी। वाड़ी रे बापूजी, इतनी छोटी सी बच्ची मेहनत मजदूरी करेगी? मीनाक्षी, वो टोकरी लेके मजदूरी नहीं करेगी, एड विज्ञापन में काम करेगी। एक मिनट, दिशा कोई एड नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? मैंने बोल दिया है। हाँ तो आप जाके मना कर दीजिए। ऐसा थोड़ी होता है, मेरा भी हक बनता है दिशा पर। हाँ पर दिशा ऐड करने नहीं जाए। देखो तुम वो बापूजी, शांति शांति से बात करो ना। वैसे बा, पोलियो का ऐड सचमुच अच्छी वजह है। मैं वजह के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही ऐड के, लेकिन दिशा भी बहुत छोटी है। हाँ भाभी, वो तो बेचारी सिर्फ अभी 1 फुट और 12 इंच की है। हाइट की बात नहीं कर रही हूँ मीनाक्षी, छोटी है इसलिए तो कुलदेवी माँ के दर्शन करने नहीं भेजा। एड तो बहुत दूर की बात है। चार चोपड़ी फेल, मैं दिशा को एड करवाने लेके जाऊंगा। रोक सकती हो तो रोक ले मुझे, मैं तो अभी जाता हूँ। बापूजी आप, बापूजी सुनिए, मैं नहीं सुनूंगा। हाँ कह दीजिए ना, वरना तमाशा करेंगे। कल इन्हें खुद याद नहीं रहेगा कि उन्होंने किससे क्या कहा है। हाँ कह दीजिए बा। ठीक है ले जाना। फिर से बोल। ले जाना। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, संभाल के कल मैं उसे 11 बजे ले जाऊंगा। उसने 11 कहा था या फिर 7 कहा था, जो भी है मैं उसे कल ले जाऊंगा। बापूजी खाना तो खा लीजिए। नहीं, खाना रूम में भेज दे। बापूजी संभाल के जाऊंगा। शिल्पा, बापूजी की प्लेट बनाओ, मैं लेकर जाता हूँ। वैसे बा, पोलियो की ऐड करने में कोई बुराई नहीं है। मैं भी जानती हूँ बेटा, पोलियो की ऐड करनी तो नेक काम है। मैं तो कहती हूँ कि पुण्य का काम है। मेरा भी दिल करता है कि मेरी दिशा ऐड करे, लेकिन वो प्री मैच्योर चाइल्ड है ना बेटा, भूल गया तू? हाँ। तूने तो कहा था कम से कम 6 महीने वो घर से बाहर निकलनी नहीं चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन लग सकता है। एब्सोल्युटली राइट। अगर तेरे बापूजी को कहती तो कहते हैं डॉक्टर तो बोलते हैं कुछ नहीं होता,
मतलब दिशा एड के लिए जाएगी कि नहीं जाएगी? मैंने कहा ना, नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। अब सपने में भी हाँ करने लगे आप? सोया नहीं हूँ मैं। तो हाँ हाँ क्यों कर रहे हैं? अरे वही बा ने फोन पे बताया ना, बापूजी का नया हंगामा, ऐड करवाने चले हैं। इस बात पे चर्चा हो गई है ना हमारी? हाँ तो चर्चा में गुड़िया का चेहरा देखा मैंने लीला। ओहो, आप हर वक्त गुड़िया का चेहरा क्यों देखते रहते हैं? हाँ वो करती है ऐसा लीला। मैंने कहा कि बा ने दिशा को ऐड में जाने से मना कर दिया, तो उसने ऐसा किया। मैंने आंखें बड़ी की, फिर हेमल ने आंखें बड़ी की, तो गुड़िया इधर उधर देखने लगी। बोलो। ओहो, हाथ धो के पीछे पड़ गए आप गुड़िया के। सो जाइए आप। हाँ सोना ही है, बहुत थक गया हूँ, तुम भी सो जाओ। हाँ लोशन लगा लूँ फिर सो जाती हूँ। करके सोला सिंगार देखो। हेलो, आप जिस रूम में है वो रूम तुरंत खाली कर दीजिए। कौन बोल रहे हैं? रूम तुरंत खाली कर दीजिए, वो रूम भूतिया रूम है। कौन बोल रहे हैं आप? हेलो हेलो हेलो, हेलो प्रवीण भाई, ये बच्चों ने फिर से बदमाशी शुरू कर दी। क्या बदमाशी लीला भाभी? कहाँ है ये मेहुल मानव सौमिल? वो लोग तो यहीं सो रहे हैं। सो रहे? अच्छा गट्टू भाई कहाँ है? गट्टू सुबोध के रूम में सोया है। क्यों क्या हुआ? अरे नहीं प्रवीण भाई, वो अभी पता नहीं किसी ने फोन करके कहा कि ये रूम भूतिया है, इसे छोड़ दो, खाली कर दो। भूतिया? अरे लीला भाभी है, चैताली की शरारत होगी। आप बेबी के रूम में फोन कीजिए, वही लोग शैतानी कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चैताली तू तो गई। हेलो बेबी बहन, चैताली कहाँ है? सो रही है भाभी। सब सो रहे हैं। सो रहे? इतनी जल्दी कैसे सो गए? हाँ आधे घंटे पहले ही सब सो गए, सब थक गए हैं ना भाभी। क्या हुआ, कुछ काम था? मैं उसे उठाऊं? नहीं नहीं उठाइए मत। अजीब बात है। कोई बात नहीं, आप ही सो जाइए। हाँ बेबी बहन, गुड नाइट। हेलो, मैंने कहा वो समझ में नहीं आया, 12 बजने से पहले वो रूम छोड़ देना। हेलो हेलो, सुनिए उठिए उठिए। क्या है? कोई फोन करके कह रहा है कि ये रूम छोड़ दो। उसे कहो कि इस रूम के पूरे पैसे भरे हमने, कहो उसे। वो बात नहीं है, वो फोन पर कह रही थी कि इस रूम में भूत है, इसे जल्दी से खाली करो। उठिए उठिए उठिए। भूतिया है भूतिया है, भूत भूत कुछ नहीं होता दुनिया में लीला। मुझे सोने दो और तुम भी सो जाओ, आधी रात हो गई है। भूत भूत नहीं होता है। Thank you.
कौन है? रूम सर्विस। इतनी रात को क्या काम है? मॉस्किटो रिपेलेंट देने आया हूँ मैडम। हाँ ठीक है, आओ आओ। वहां रख दो। रूम में मच्छर है इसलिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू। और कुछ चाहिए मैडम? नहीं, एक मिनट, ये होटल फुल रहती है? हाँ छुट्टियों में फुल रहती है। मतलब बाकी दिनों में खाली रहती है? क्यों? नहीं, ये खाली क्यों रहती है? मतलब खाली रहने की कोई वजह होगी क्या? ऐसे कहते हैं ना वो कभी कभी के, वो फला फला होटल में भूत। मैडम आपने भूत देखा? नहीं। भूत है यहाँ? नहीं, अफवाह है सब। अफवाह है? हाँ। दूसरी होटल वाले अफवाह फैलाते हैं ताकि हमारी होटल का बिजनेस कम हो जाए। मतलब भूत भूत नहीं है? नहीं, सिर्फ एक बात सुनी है, यहाँ एक औरत का कत्ल हुआ था। इस होटल में? नहीं, आप जहाँ खड़ी है ठीक उसी जगह पर। किसी ने गला काट दिया था उस औरत का। सुना है उसकी आत्मा आती है रात को। आप मत डरिए मैडम, अफवाह से आज तक किसी ने कंप्लेंट नहीं की। आप जाकर सो जाइए, अगर कुछ हुआ तो हम है ना। गुड नाइट मैडम। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।